साहब ये तेवर सर ने आपके लिए अपनी पहली एल्बम की कॉपी भेजी है। वो एल्बम भी फ्लॉप थी, उसके सारे गाने भी फ्लॉप थे। सिकंदर को ये सुनाएगा हा? फिर क्या गिनती में गिनेगा वो तुझे? सांस लो मास्टर, वरना मर जाओगे। तू चाहता है मैं मर जाऊं? हाँ मैं यही तो चाहता हूँ कि सिकंदर को मेरी कमजोरी का पता चल जाए। उसे लगना चाहिए हमेशा कि बाजी उसके हाथ में है। क्या है मास्टर कि पहले किसी को ना उम्मीद दो और फिर उस उम्मीद को तोड़ दो। तो उम्मीद तो टूटती ही टूटती है, साथ में सामने वाला भी टूट जाता है। ए भाई, ना तू कभी मेरे समझ में आया है ना कभी आएगा। अब ये बता सिकंदर से तेरी दुश्मनी क्या है? और अगर है भी तो ये बताने की कृपा कीजिए प्रभु के प्रेस के सामने उसके इतने गुणगान गाने की क्या जरूरत थी। ये देखो देखो क्या हंस हंस के फोटो निकाला है। वाह वाह वाह, ऐसा लग रहा है कि तू उसके लिए जान दे देगा। देख मास्टर, फोटो है एकदम कड़क। मास्टर कलयुग है, लोग तो यहाँ झूठ बोलते ही बोलते हैं, तस्वीरें भी यहाँ झूठ बोलती हैं। देख तेवर, तू समझ नहीं रहा। कल काम है, तैयारी करनी है। अब कल क्या करने वाला है तू? वो तो कल बताएगा। तुम्हें याद है कल क्या है? कल तुम्हारी मॉम का बर्थडे है, मुझे याद कैसे नहीं होगा। वेरी गुड, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, तो मुझे तुम सबकी हेल्प चाहिए होगी। बिल्कुल ठीक है, हेल्प का क्या, हम तो उसके बाबा को ढूंढने वाले थे ना। मनाली, अब तुम्हें ज्यादा डाकू की ज्यादा चिंता हो रही है। नो नो, मैं उस दीदी की चिंता नहीं कर रही, मैं तो बस ढूंढ लेंगे उसके पापा को भी। क्या इतने दिन झेला, दो दिन और सही ना। लेकिन आज और कल मेरी मॉम की बर्थडे के सिवा कोई बात नहीं होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चाहे कुछ भी हो जाए उस डर्टी बॉय दीदी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम मॉम के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। उसे पता चल भी गया तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा, वो डर्टी बॉय हर बात में मुझसे आगे निकल जाते हैं। और दादा भी हमेशा ही बोलते हैं कि कुल्फी ने ऐसा किया, आप भी करो। लेकिन वो मेरी मॉम की बर्थडे पे मुझसे बेटर कुछ भी नहीं करेगा। कुल्फी मेरे रूम में भी नहीं दिखना चाहिए। कोई तरकीब निकाली? बताइए ना मेरे बाबा को कहाँ ढूंढने के और कैसे। लिसन कुल्फी, कोई अच्छा आइडिया आने में टाइम लगता है, और फिर अभी हमें थोड़ी पढ़ाई भी करनी है। तो स्कूल नहीं जाता, पर हम जाते हैं, हमें होमवर्क भी करना पड़ता है। मतलब पढ़ाई? यस, हमें पढ़ाई करनी है। मामा कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। आप लोग पढ़ाई कर लो, पर मेरे बाबा को ढूंढने की तरकीब भी सोच रहा। तो क्या आपकी पढ़ाई के बाद हम बाबा को ढूंढने जाएंगे? हाँ थोड़ी देर बाद, अभी तू ये रख ले। खिलौने, इनका क्या करूं? अभी तू इनसे खेल ना, रख ले अपने पास और खेल। जब हमारे काम खत्म हो जाएगा हम तुम्हें खुद ही बुला लेंगे और फिर जाएंगे तुम्हारे बाबा को ढूंढने। चंगा, मैं इंतजार करूंगा। हाँ How's it going? बैठो। वो क्या है? ये वो तेवर की सीडी, कोई देखे क्या अभी उसका? तेवर तेवर तेवर, मैं थक आ गई हूँ ये नाम सुन सुन के। फिर से तेवर? और इस सीडी की जगह यहाँ नहीं है, डस्टबिन में है। ओके, इसे यहाँ मत रखना। अरे लवली क्या कर रही हो, ऐसे मत करो यार, उसका पहली सीडी है, उसकी मेहनत है। इस आदमी ने तुम्हारा काम, तुम्हारे गाने छीन लिए, तुम्हें उसकी मेहनत दिखाई दे रही है सिकंदर? सीरियसली तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा कि सारे प्रोड्यूसर्स तुम्हें छोड़कर उसे चूज कर रहे हैं क्या?
सच बोलूं? पड़ रहा है फर्क, उसकी क्या गलती है तेवर की? तेवर तो बेचारा अपनी मेहनत कर रहा है, बेचारा घर चला रहा है अपना, ये मेरा एक दिमाग जो है ना थोड़ा सा, पता नहीं मुझे नहीं सोचना है, जो खो गया उस पे मैं वही सोचता रहूंगा ना तो मैं जो पा सकता हूँ उस पे ध्यान कैसे दूंगा? मुझे शुरुआत करनी है, आज से मैंने अपनी एल्बम पे काम करना शुरू भी कर दिया है। Really? अरे वाह, that's very nice. I'm sure सिकंदर ये जो एल्बम तुम बना रहे हो ना, ये उस तेवर जो भी है उससे बहुत बहुत बड़ी हिट हो, बहुत बड़ी। हुआ कुछ नहीं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं हुआ है, सब चंगा है। सिकंदर, समझ नहीं आ रहा है, पहले नहीं हुआ ऐसा कभी। क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा? तो 7 साल हो गए हैं मुझे, 7 साल पहले मैंने अपना गाना बनाया था, उसके बाद से मैंने दूसरों की कॉम्पिटिशन्स पे अपनी आवाज दी। अब जब आज जब हो जाएगा, वो आ नहीं रहा है, वो जो चाहता हूँ ना वो हो नहीं रहा है, वो नहीं बन रहा मुझसे गाने, मुझे डर लग रहा मुझसे बना पाऊंगा ना गाना मैं, पता नहीं मुझे। क्यों नहीं बना पाओगे? ऑफ कोर्स बना पाओगे, तुम सिकंदर सिंह गिल हो। सिकंदर पहले तुम मेरी बात सुनो, ये जो सारी नर्वसनेस है ना तुम्हारी, इसे जस्ट शेक इट ऑफ कर दो, जैसे मैं कहती हूँ ना शेक इट ऑफ, वैसे इसे जस्ट शेक इट ऑफ। ओके, लंबी सांस लो अभी, कर लिया मैंने सब पहले, अब मेरे साथ करो, लंबी सांस लो, चलो डीप ब्रेथ लो, ब्रीद इन ब्रीद आउट। सिकंदर सिर्फ अच्छी बातें सोचो, ये सब नेगेटिविटी, ये सब फिजूल की बातें मत सोचो। अपने आप पर सबसे पहले शक करना बंद करो, तुम्हें सिर्फ अपनी मंजिल के बारे में सोचना है सिकंदर, सिर्फ उस पर फोकस करना है, अपने गोल पर फोकस करना है। फिर मैं जानती हूँ तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, कभी नहीं। ओके? ओके रानी साहिबा, आप कह रही है ना, जान लगा दी नहीं मैंने, मेरे लिए करो और भी अच्छी बात। सिकंदर तुम्हें अब तक के सबसे अच्छे गाने लिखने होंगे और बनाने होंगे, ये गाने इतने बड़े हिट होने चाहिए कि मेरे डैड को उनकी गलती का एहसास हो जाए, क्योंकि मेरे सिकंदर सिंह गिल से अच्छा तो और कोई है ही नहीं, है ना? All the best. आपका नाम है? छोटे कुत्ता जी। आप? गुलाब भाभी। छोटू सिंह बैंक में बिट्टो। और आप? मशीनी लाल। पता नहीं अमेरी जी ने आप सबको क्या नाम दिए थे, लेकिन आज से यही आपका घर है। अमेरी जी के कमरे जैसा बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत प्यार करके रखूंगी। ये क्या है? Yeah.
जय जय मशीनी लाल जी, मेरा नाम कल्फी है। सुनो सुनो मशीनी लाल, आप फटकली नहीं है बाल, लेकिन मेरे बाल है लंबे सारे, बोलो जय माम दे। बाबा मेरी बनी पहेली मिल जाए ले जाओ चिराली। मामा की एक बहन थी छोटी, मैं हूँ उसने मृत की बेटी। पर मैं अपने बाबा से मिलूंगी कब, कब उन्हें मामा से बुलाऊंगी, कब उनके साथ मिलके खाना खाऊंगी। अमीरी जी ने बोला था कि हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, पर थोड़ी देर मतलब कितनी देर?